All right, Rajat, this is Amarjot Singh. I'm in Edmonton. Rajat se baat ho rahi hai. Rajat seedhe California se aaye hain, PR lekar Canada mein aur Toronto mein aakar inhone dera lagaya hai. Kaisa lag raha hai Rajat aake Toronto mein? Main to Toronto actually raha hi nahi hu. Mereko Toronto ki knowledge aur experience hi nahi. To Edmonton raha hu shuru se, matlab jab se main aaya hu to Edmonton raha hu. Toronto ke bare mein mereko zyada knowledge nahi hai. Mereko pata hai sare log Toronto hi jaate hain. आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? सर बड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअली. अभी तक पता नहीं चल रहा बिकॉज वेदर बहुत अच्छा है. आज भी सनी है और अभी कैलिफोर्निया टाइप ही इनफैक्ट थोड़ा सा कूल है. 20-21 डिग्री सेल्सियस है तो वेदर बहुत अच्छा है तो इसलिए अभी इतना पता नहीं चल रहा. बट व्हाट आई कैन से इज़ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोरंटो का काफी बेटर है बे एरिया से जहाँ से मैं आ रहा हूँ. सो मुझे लगता है कि काफी टाइम यहाँ बिना कार के भी काम चल जाएगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वेरी गुड. और जून 8th को मैं लैंड हुआ था एंड फिर जून वीकेंड था उस दिन. और फिर मंडे से मैंने सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना था, ये सब किया. और इवन अपार्टमेंट की लीज वगैरह साइन करनी थी, वो भी कर ली. अभी फ्रेंड के यहाँ रह रहा हूँ मैं. मिड जुलाई से आई विल मूव इन. सो अच्छा लग रहा है काफी सर. सो फार सो गुड. So far, so good. मैं एक्चुअली बे एरिया के बारे में खबर पढ़ रहा था कल सैनो से मर्करी न्यूज पे कि बे एरिया में रहना इतना मुश्किल है, इतना महंगा है कि कम से कम वहां पर अगर आप रेंट पे लेना चाहो तो अगर दो बेडरूम का रेंट लोगे तो एटलीस्ट $4,000 से शुरू होता है. यस सर, एग्जैक्टली. तो मैं वहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा था एंड दैट वाज लाइक 450 स्क्वायर फीट, नहीं 500 स्क्वायर फीट अराउंड. और मैं उसके यूएस डॉलर्स में आई वाज पेइंग 1975 अ मंथ. और जब मैं वहां से निकलने वाला था तो अगर मैं लीज एक्सटेंड करता वहां पे सो वो सेम अपार्टमेंट मेरा फिर $2,095 पड़ने वाला था. एंड दैट वाज जस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट. कंपेयर टू दैट टोरंटो कहते हैं महंगा है बट कंपेयर टू देयर टोरंटो अभी भी उतना महंगा नहीं है. Compared to the Bay Area, अभी वो आगे टोरंटो हो जाएगा. एक्चुअली आबादी यहाँ भी टोरंटो में बहुत बढ़ रही है. Yes. आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जब आप एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे जब आप अपने उनको लैंडिंग पेपर दिया, आपका जो जो COPR दिया आपने, तो आप वो बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा. इमिग्रेशन ने आपको क्या पूछा, क्या एनालाइज किया, क्या एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आपके पॉइंट्स वगैरह क्या क्या पूछा? हाँ सर. सो पहले तो एक तो लुक्स लाइक कि दो लेवल की इमिग्रेशन होती है. एक तो फर्स्ट जो वीज़ा ऑफिसर जैसे ही हम एंटर करते हैं उनको आप अपना पासपोर्ट दो, COPR दो. एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि डू आई हैव अ गुड्स टू फॉलो लिस्ट. तो मेरे केस में वो नहीं थी, मैं सब वाइंड अप कराया था. मेरे पास 5 बैग्स होंगे जिसमें से नहीं 6 बैग्स से 4 चेक इन कराए थे, 2 साथ लेके आ रहा था. बट तो उन्होंने मुझसे बस बोला कि ओके. उन्होंने कुछ मुझे देख के बोल दिया कि गो इनसाइड की एक इमिग्रेशन सेकेंडरी है जहाँ पे दे विल प्रोसेस माय PR प्रोसेस. तो वहाँ गया, वहाँ पे लाइन थी थोड़ी सी, ज़्यादा लाइन थी नहीं थी बिकॉज मॉर्निंग में 7 o'clock हो रहा था ऑन द मॉर्निंग ऑफ जून 8th. और छोटी सी लाइन थी. देन जब मेरा नंबर आया उन्होंने मेरा सब देखा एंड देन दे टोल्ड मी टू वेट एंड दे सेड दे विल कॉल मी. सो वो ऑफिसर ने कुछ चेक किया होगा एंड देन शी कॉल मी बैक एंड देन द क्वेश्चन स्टार्टेड. तो उन्होंने पूछा कि वाई एम आई कमिंग टूडे. सो मैंने बताया कि आई एम कमिंग एज अ PR. एंड उन्होंने पूछा कि इवन पूछा कि US में मैं क्या करता था एंड हैव आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड एवरी थिंग. सो मैंने उसका भी जवाब दे दिया. एंड देन दे आस्क्ड सम क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस कि हैव आई एवर बीन अरेस्टेड, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा कि नहीं रहा. एंड And that's it. And then, yeah, she asked goods to follow. And then she start ki, am I bringing any food or anything? So, wo maine bata diya. And that's it. Yeah, yahi pucha bas. Aur, she just confirmed ki jo address maine diya tha, wo mere friend ka address tha, ki isi address pe PR card bhejna hai kya? And maine kaha, and boli, whose address is? Maine kaha, this is where I'll be staying. This is my friend's address. So, उसने बोला ठीक है, it will take about a month to get your PR card.
and that was it. And then I was lucky, my friend came to pick me up, और फिर वहां से फिर हम घर आ गए. उस दिन सैटरडे था तो सर्विस कनाडा वगैरह सब बंद था. सो दैट वाज बेसिकली माय सैटरडे. एंड माय लेटेस्ट न्यूज़ इज कि परसों मुझे वो एप्लीकेशन अपडेट हुई कि पीआर कार्ड हैज बीन मेल्ड बाय द वे सर. नाउ यू हैड एक्सपीरियंस डीलिंग विद यूएस इमिग्रेशन एट द यूएस एयरपोर्ट एंड आल्सो नाउ विद द कैनेडियन इमिग्रेशन एट द कैनेडियन एयरपोर्ट. डू यू सी एनी डिफरेंस? Yes, sir. मतलब कैनेडियन वाले were more chilled. They were very friendly. But I don't know, maybe because they knew ki I'm coming as a PR. This was the first time in a country I'm saying ki I don't have to prove that am I going back or not. क्योंकि US वाले में I was a student, right? So जब apply किया था visa के लिए, visa interview होता है. अब इसमें इस process में तो कोई interview भी नहीं हुआ था, जो otherwise आप embassy में जाते हो, consulate में जाके interview देते हो. वो नहीं था उस यूएस वाले में, वो सब भी होता है. एंड मेरे साथ क्या हुआ था, 2016 में मैं जब इंडिया वेकेशन करके यूएस आया, मेरा जो वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था ओपीटी, वो तभी भी पेंडिंग था. एंड आई हैड नॉट ग्रेजुएटेड, बट माय I-20 जो डॉक्यूमेंट होता है, इट काइंड ऑफ शोड कि आई हैड ग्रेजुएटेड. सो वो थोड़ी एयरपोर्ट पे कंफ्यूजन हो गई थी, उन्होंने मुझे बैठा के रखा था. एंड लकीली आई हैड माय ट्रांसक्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग टू प्रूव कि भाई अभी मेरी डिग्री खत्म नहीं हुई है. And my PT is pending. So then they let me in. But it was still like ghante bhar ka wo chal raha tha. So uske baad main kabhi gaya hi nahi, kyunki mera H1B bhi nahi ho raha tha. So I just stayed till I get things get sorted out. But they never got sorted out. And now I'm in Canada. let me remind myself and other people who are watching this. What was your CRS score? Sir, that time it was 456, but by the time I submitted my AOR hota hai, tab tak wo 470 kuch pahunch gaya tha, kyunki usi beech mere 3 saal complete ho gaye the. So looks like that system calculated it, but when I got my ITA, it was 456 aur cutoff tha 440, jo ki ab cutoff bahut badh gaya hai. Achhe ab lucky time mein thoda nikal gaye aap thoda. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स. आप बोले सवाल मेरे से क्या है, सवाल आपके कोई सवाल है वो बताएं, क्या है सवाल है मेरे से? सर सवाल तो ऐसा बस अब यही है सर कि अब यही मुझे लाइसेंस वगैरह ये सब लेना है. सो वो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कैलिफोर्निया से मुझे रिकॉर्ड आ जाए, 2 ईयर्स का क्रेडिट अगर हो तो देन दे विल गिव मी माय जी लाइसेंस. और आप बताएं कि एज अ नाउ आई हैव आई एम अ इमिग्रेंट हियर, what all I should be aware of and should not be doing ki mera status kabhi jeopardize na ho jaye. Aur abhi nikalne ke pehle, because August I'm planning to travel, so out of the country, so any do's and don'ts, ya jab ab wapas enter karun, having just the PR card and my passport is good enough? Isko beech mein actually mere ko kaatna padta hai, kyunki beech mein call log kar rahe hain, we are on the phone call karte hain, to ekdam aata hai, theek hai, to mere ko kaatna padta hai. Actually mere ko abhi call hi कोई कैलिफोर्निया से कॉल कर रहा था, बेकर्सफील्ड से कोई कॉल कर रहा था अभी, तो उसको मैंने काटना पड़ा 661 ई रिकॉर्ड में. चलो इस क्वेश्चंस को हम अलग अलग करके इसको एनालाइज करते हैं. पहला सवाल तो आपने पूछा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब किस किस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए रहने के लिए. ये तो बहुत ही यू नो दिस इज सिमिलैरिटी बिटवीन यूएस एंड कैनेडा. यूएस में ग्रीन कार्ड हो चाहे यहाँ पीआर कार्ड हो, both of them are not permanent. That means कि ये आपको एक रहने का राइट मिला है जिसको आप फुलफिल करने के बाद कुछ टाइम बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये तो दोनों यूएस और कैनेडा में सिमिलैरिटी है. इन दोनों कंट्रीज में, क्योंकि एक दूसरे का इमिग्रेशन लॉ में काफी चीज ये कॉपी करते हैं, इन दोनों कंट्रीज में एक खास बात यह है कि अगर एज अ पीआर कार्ड होल्डर, वहां भी ग्रीन कार्ड होल्डर, अगर आप कोई क्राइम करते हो, क्राइम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी हम मतलब इट्स नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, छोटे मोटे क्राइम में आपको बता दूं, ड्रंक ड्राइविंग, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो या ड्रग्स लेके गाड़ी चला रहे हो, आजकल तो यहाँ कैनबिस का है, कैनबिस के अंडर इन्फ्लुएंस भी गाड़ी चला रहे हो, और अगर आपके अगेंस्ट चार्ज हो गया, इंडाइटेबल ऑफेंस हो गया, तो डैट मीन्स आप समझो कि जो सजा होनी है नहीं होनी है, प्रोबेशन होनी नहीं होनी, या 6 महीने की अगर सजा हो गई तो आपका पीआर कार्ड गया, दैट मींस कि आपको डिपोर्टेशन लेके आप कहीं अपने इंडिया वापस जाओ. एक तो ये बात है.
क्राइम कोई भी हो, मैंने तो छोटा सा एग्जांपल लिया क्योंकि ये बहुत एक ऑर्डिनरी क्राइम है, क्योंकि आप तो अमेरिका से आ रहे हो, आपको इस बात की अवेयरनेस है। जो लोग इंडिया से डायरेक्टली आते हैं कई बार उनको ये इसकी बात की सेंसिटिविटी नहीं होती कि कितना डेंजरस है, रेकलेस ड्राइविंग है, ड्रंक ड्राइविंग है, या ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस है जिसको कहते हैं, या ड्राइविंग का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की जान चली जाए। बहुत तरह के ड्राइविंग ऑफेंस हैं, अगर हो गया तो पीआर गया। अगर कोई आपने कोई और कोई क्राइम कर दिया, कोई थेफ्ट कर दिया, या कोई इसको कहते हैं इंडाइटेबल ऑफेंसेस। अगर आपको गूगल पे आप टाइप कर लेना इंडाइटेबल, INDICTABLE, पीछे पीछे मेरे को फिर फोन काटना पड़ा किसी का। हाँ, इसको कहते हैं इंडाइटेबल ऑफेंस। आप गूगल पे चेक कर लेना और इंडाइटेबल ऑफेंस इन कनाडा सारे, उसको आपको एक लिस्ट पता लग जाएगी। अगर उनमें से कुछ हो गया तो आपका पीआर गया। ये तो बात हुई क्रिमिनल की। कोई और कोई इमिग्रेशन का कोई चक्कर निकल आया पुराना, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन निकल आया पुराना, कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड या डॉक्यूमेंट फैक्ट, कोई ऐसा कोई जो डिफरेंस है वो निकल आया, तो पीआर आपके खतरे में पड़ सकता है। बस आपको इतना रखना है कि अभी आपको अपने अपनी तरीके से आपको सेफ रखना है फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 4 years, जब तक आप यू आर लुकिंग टू डिसाइडिंग टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। उसके बाद अगर आप फिर पासपोर्ट अप्लाई करोगे एंड देन यू बिकम क्रिमिनल, ऐसा नहीं कि क्राइम बाद में कर सकते हो, क्राइम करोगे तो मतलब जेल, ऐसा तो जेल यहीं पर होगी, आपको जेल इंडिया नहीं भेजेंगे। बस ये बात है, और बाकी सब ठीक है। जैसे जो लॉ है, दीज कंट्रीज हैव एम्फेसिस ऑन लॉ, दे एक्सपेक्ट सिटीजन्स टू बी लॉ अबाइडिंग। दैट मीन्स के कानून है, जो लॉ है उसके अगर अंदर रहेंगे आप तो सही रहेंगे, अगर थोड़ा सा अलग हटे तो बस वो सिस्टम ने आपको कैच कर लेना इस कंट्रीज में। और बाकी आप तो यूएस से आ रहे हैं, आपको आप समझदार हैं, आपको पता है सिस्टम का, दोनों तरह के सिस्टम का। और कोई बात नहीं है। बाकी जो जॉब करेंगे, ऑफ कोर्स जॉब का सिस्टम सेम है, आपको बस सिन नंबर है, आपके वो डिडक्शंस कटेंगे जस्ट लाइक सोशल सिक्योरिटी, वैसे सर सब कुछ वैसे ही होना है। और इन फ्यूचर अगर आपको किसी फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर करना है, जैसे आपकी वाइफ को स्पॉन्सर करना है या आपके पेरेंट्स वगैरह को अगर बुलाना है फ्यूचर के लिए, तो वो रास्ते आपके पास ऑलरेडी खुले हुए हैं। हाँ सर, बस अब जब फ्यूचर में वाइफ स्पॉन्सरशिप वाला आएगा तो देन हम विल टॉक ऑन दैट, एंड आई एम श्योर आपकी हेल्प लूंगा मैं। दूसरा जो आपने सवाल पहले पूछा था कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, आप इंडिया जाने वाले हो? हाँ सर, अगस्त में, अगस्त 2nd आई थिंक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पीआर कार्ड आ चुका होगा तब तक, तो आप जा सकते हो। जब वापस आओगे तो पीआर कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी आप आए, आपके पास पीआर कार्ड नहीं है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे को अभी जाना है, इंडिया आज जाना है, और चले तो जाओगे लेकिन आओगे कैसे दोबारा? जब आओगे तो आपके पास पीआर कार्ड नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको वहां से एक फैसिलिटेशन वीजा कहते हैं, जिसको $50 लगते हैं, न्यू दिल्ली हाई कमीशन से अप्लाई करना पड़ता है, तो वो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आने के लिए फिर आपको रिटर्निंग रेसिडेंट वीजा भी कहते हैं उसको, RR1 कहते हैं, तो वो लेना पड़ता है। सो सर, क्वेश्चन है सर रिलेटेड, मेरे पे अप्लाई नहीं होता, बट जस्ट फॉर माय नॉलेज एंड इवन फॉर अदर्स हु आर वाचिंग, कि सपोज कोई ऐसा बंदा है जो अभी जस्ट लैंड किया, लेकिन अब उसको हफ्ता दो हफ्ते में जाना ही है इंडिया या कहीं कुछ उसको देखने, अब उसका पीआर कार्ड तो आया नहीं, सो ही विल हैव टू गो थ्रू व्हाट यू सेड, और वो कनाडा से नहीं अप्लाई होता, वो बाहर से ही अप्लाई होगा। वो बाहर से अप्लाई होगा, वहीं पर जाएगा, दिल्ली पहुंचेगा, जाके न्यू दिल्ली हाई कमीशन के सामने लाइन लगाए खड़ा हो जाएगा, उससे बोलेगा भाई मैं तो अभी वहां से आया हूँ एक हफ्ते पहले, और ये मेरे को वीजा मिला था इमिग्रेंट वीजा, और आई नीड टू गो बैक अगेन, तो फिर वो देंगे। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ पेपर वर्क एंड यू नो जस्ट अ फीस, पर आई रिकमेंड जो मैं एक बात तो रिकमेंड नहीं करता लोगों को करें, कई लोग अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, वो समझते हैं कि हम चले जाते हैं इंडिया, पीआर कार्ड मेरे दोस्त के पास आ जाएगा और वो मेरे को कोरियर कर देगा वहां पर। तो लोग कुछ होशियारी ऐसे करते हैं, कभी कभी वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये पीआर कार्ड या पासपोर्ट ऐसे बाय मेल या ट्रांजिट करना ये डेंजरस है, इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट, और अगर बीच में अगर ट्रैप हो गया तो उसको सीज कर लेते हैं, इम्पाउंड कर लेते हैं वो। अच्छा, ओके। फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपने पीआर कार्ड क्यों भेजा ऐसे। तो सर दिस इज समथिंग गुड टू रिमेम्बर, बिकॉज अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो धीरे धीरे यहाँ आएंगे, मगर वो यूएस से, पर वो मोस्टली सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, इन द सेंस वो आएंगे और चले जाएंगे,
एंड दे आर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं उनका पीआर कार्ड यहाँ से उनको वहां भेजूं. सो यू थिंक इट्स रिस्की? शुड नॉट, राइट? नॉट ओनली इज रिस्की, इट्स नॉट अलाउड बाय प्रोसीजर. जो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर सर्च कर लें जाके, या इमिग्रेशन को अनोनिमसली आप कॉल करके पूछ लें, दे डोंट रेकमेंड दैट यू डू इट. ओके ओके. इट्स नॉट not only not recommended but also is not authorized. It's, you should not do it. Okay. So, sir, वो अभी मुझे याद आया जो immigration पे आपने पूछा था Canada वाले में, उन्होंने एक और मेरे से question पूछा था last में settlement funds की मैं कितने लेके आ रहा हूँ. So जितने लेके आ रहा हूँ मैंने बता दिए, but and actually copier के साथ I had the copy of my proof of funds but they didn't ask for it. But I just had it. But उन्होंने orally पूछा और शायद copier पे वो amount लिख दिया, that's it. She didn't verify. उनको चेक करना नहीं करना उनका अपना डिस्क्रिशन है. प्रूफ ऑफ फंड्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पीआर इन इकोनॉमिक क्लास इन एक्सप्रेस एंट्री. किसी का चेक करते हैं नहीं करते हैं उनकी मर्जी है. जब मैं आया था तो मेरे से तो सवाल भी नहीं पूछा था उन्होंने इसको फंड्स के बारे में. तो उनकी मर्जी है कि यू नो करे ना करे. पर अगर हाँ किसी के पास फंड्स ना हो उससे पूछ लिया जाए तो उसको वो उसकी पीआर को ब्लॉक कर सकते हैं. दैट मींस यू कैन नॉट एंटर राइट नाउ बिकॉज यू डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स. सो चाहे किसी से पूछे ना पूछे वो फंड्स अपने पास जेब में होने चाहिए. या तो कैशियर चेक होगा या बैंक ड्राफ्ट होगा या कुछ ट्रैवलर चेक कुछ ना कुछ होगा. तो फंड्स तो होने ही चाहिए. तो सर आपने कभी कोई ऐसा केस सुना है क्या कि लाइक दे गॉट अप्रूव्ड फॉर पीआर एंड फिर उन्होंने लैंड किया और लैंड पे वो डिनाई हो गया या वो कुछ गड़बड़ हो गई या? बहुत सारे हाँ अच्छा मैंने मैंने सुना नहीं केस मैंने देखे हैं. मेरे पास तो एक लाइव एग्जांपल्स हैं हर तरह के कैटेगरी केसेस के. अगर जैसे उसने आपसे सवाल पूछा कि आपको जो वीजा इशू हुआ एक आध महीने पहले दो महीने पहले वीजा इशू हो और आप बाद में आ रहे हो, इन द मीन टाइम अगर आपकी कोई अरेस्ट हो गई, कोई आपके कैलिफोर्निया में ड्रंक ड्राइविंग वायलेशन हो गई और अगर वो इंडाइटेबल ऑफेंस में आ गया तो आपको वो दैट मीन्स यू हैव इनवैलिडेटेड योर conditions of the visa itself. That means you are now criminally inadmissible. Even though aapke paas visa hai, lekin aapko andar nahi aane denge. Aur uske liye hoga kya? Aapko airport pe hi wo unhone rok liya. Unko ek client tha, unko wahan rok liya aur wahin par usko usko refer kar diya judge ko. Judge matlab immigration refugee board ko. Aur wahan par fir wo decision hota hai ki isko kya kare. To wo matlab aapko jaise aapko bola na ki aap andar jao, you know, you are landed and then you get the PR card. Aapko nahi denge. So that means now you are criminally inadmissible. तो ये example है, हुआ है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई medical problem हो सकती है. In the meantime कोई medical problem हो गई, कोई और कोई infectious disease कोई catch करके, कोई Ebola virus catch कर गए. Imagine करो कि जैसे आप कहीं Africa से आ रहे हो, आते आते ही आपको जी Ebola virus हो गया जी, airport पे ही आपको खांस रहे हो, whatever. So now you are medically inadmissible. आपको आपको नहीं आपको आने नहीं दिया जाएगा. तीसरा एग्जांपल मैं और दे दूं, जैसे अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री करा, एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपने हस्बैंड वाइफ को जोड़ के आपके पॉइंट्स आए हैं और दो महीने पहले वीजा मिला लेकिन आते आते फिर आपका कोई डिवोर्स हो गया या यू नो या कोई और कोई चक्कर हो गया, तो मतलब जिसमें आपके जो वाइफ अलग हो गई तो आपसे पूछने के भाई हु इज कमिंग विद यू, आर यू कमिंग अलोन, व्हाटएवर माय. सो इट इज नाउ योर ड्यूटी टू टेल देम द ट्रूथ कि मेरा डिवोर्स हो गया है. और अगर आप उनको बताते हो डिवोर्स का, देन दे विल चेक योर एलिजिबिलिटी अगेन. दैट मींस वो जो कंडीशंस थी डिवोर्स की उस दैट हैज नाउ इनवैलिडेटेड योर एलिजिबिलिटी टू गेट द वीजा. क्योंकि अगर उससे अगर उसके पॉइंट्स कंट्रीब्यूट हो रहे थे और वो अब है ही नहीं, तो दैट मींस नाउ यू नो फ्रेश असेसमेंट इज रिक्वायर्ड एंड दे कैन डिनाई यू. कुछ लोग अपने आप को होशियार समझेंगे, चलो बताने की जरूरत ही नहीं है. तो जब वो चलो अंदर आ गए आपको बताया नहीं, बाद में कभी वाइफ आएगी या वाइफ ने कंप्लेन कर दी कि जी मेरा तो इनसे पहले ही लीगल सेपरेशन हो गया या 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या इवन 2 दिन पहले, और लेकिन तब वो रिकॉर्ड में नहीं आया, तब वो आपको चार्ज कर देंगे कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करा, तब तो आपको कैंसिल भी करेंगे और 5 साल के लिए बैन भी करेंगे. तो ये कोई ना समझे कि हम इंफॉर्मेशन को दबा लेंगे और निकल जाएंगे से, ऐसा नहीं है. सो द फैक्ट्स हैव टू बी डिस्क्लोज एट एवरी पॉइंट ऑफ असेसमेंट. ओके ओके सर, बस बाकी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. जस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है और कभी मैं एडमिंटन आया तो आपसे जरूर मिलेंगे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर आओ. कब कब जा रहे हो दिल्ली को, दिल्ली तरफ? अभी इंडिया 2nd अगस्त. 2nd अगस्त. अच्छा चलो, हो सकता है कि आप एडमिंटन आने से पहले हो सकता है दिल्ली मुलाकात हो हम लोग की. शायद अच्छा आप जाएंगे अभी? ओके, जाने का मन तो है, देखो क्या क्या होता है. ओके ठीक है सर. ऑलराइट.
ठीक है, और बस बाकी चलो ठीक है, बाकी सब एंजॉय करो टोरंटो की लाइफ, देखो क्या हो रहा है। हाँ सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। पीछे कॉल को फिर मैंने रोक दिया, कॉल्स बीच में कॉल्स बहुत आती हैं एक्चुअली, ये फोन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार स्काइप पे बात करो तो पीछे कॉल आती है तो ये स्काइप रुक जाता है एकदम से। हाँ, नहीं सर, अच्छा रहा टोरंटो की। अगर जहां तक मैं बात करूं तो वो रैप्टर्स गेम था वो मैंने देखा, देखने गया था मैं उस रात। आई वाज इन द बार, आई वॉच्ड इट एंड आई सॉ पीपल सेलिब्रेट गोइंग क्रेजी। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। दिस इज द फर्स्ट और टाइम एक्चुअली एवर कि मेरे ख्याल यूएस से यस, बाहर आया। हाँ हाँ। और पिछले वीकेंड संडे को नायग्रा फॉल्स किया था तो पूरा देख के आया, वो अच्छा रहा, मजा आया। अभी वेदर बहुत अच्छा है अभी वेदर बहुत है। मतलब। जहां पर आप हो मिसिस आगा ब्रैम्पटन में, कहां पर हो? मैं हूँ एटोबिको में, सो एटोबिकोट में। टोरंटो और उधर वो हाँ बॉर्डर पे है वो। बट वहां मैंने पर काफी अपार्टमेंट, हाँ सर, काफी इंडियन पॉपुलेशन है वहां पर काफी। मैं अभी जिस एरिया में वहां इतना नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा सा मिसिसागा साइड चले जाओ तो वहां ज्यादा है। मतलब वो इंडियन स्टोर्स के लिए हम थोड़ा उधर जाते हैं, बट मैंने जो अपार्टमेंट ले रहा हूँ, जो मैंने जहाँ लीज साइन करी है, दैट इज काइंड ऑफ इन द डाउनटाउन, क्लोज टू द डाउनटाउन, वो सेंट क्लेयर वाला एरिया में, अच्छा टोरंटो में, क्लोज टू द यॉर्क एरिया। सो वहां, चलो चलो, एंजॉय योर टोरंटो स्टे टिल द टाइम, एंड आई विल सी यू लेटर समटाइम, मे बी या परहैप्स। श्योर, ऑल राइट, हाँ, थैंक यू, से बाय थैंक यू बाय। वेरी मच।